और ये बैग मैंने अभी मंगाया है इंस्टामार्ट से। सामान एक्चुअली मम्मी ने मुझे लिस्ट भेजी है कि क्या क्या चाहिए होगा अचार के लिए, तो मस्टर्ड ऑयल, इतना सारा मस्टर्ड ऑयल नहीं चाहिए पर मैंने मंगा लिया है क्योंकि मेरा घर का भी खत्म हो रहा है। ये देखो इतना सा रह गया, इतना सा, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल भी मंगा लिया है। ये दो हो गए। मम्मी ने तो सिर्फ 500 ml बोला था दूध, मतलब अचार में जाएगा। ये 1 लीटर के दो मस्टर्ड ऑयल हो गए। एक ब्रेड मैंने मंगा लिया है, दूध मंगाया है आज का दूध, इसको धोने के लिए रखती हूँ। और साथ में मम्मी ने कहा था कि यही वाला सॉल्ट डलेगा, मैं एक्चुअली दूसरा सॉल्ट यूज करती हूँ ना, ले मैं शो यू ये वाला, तो उन्होंने कहा था कि ये नहीं, जो रेगुलर व्हाइट सॉल्ट होता है ना आयोडीन वाला, वो वाला लेकर आना। तो मैं ये यूज तो करती हूँ ऐसे साइकिल में, अभी ये वाला जो लॉट है ये खत्म हो जाएगा तो फिर उसके बाद मैं व्हाइट सॉल्ट ही लेकर आती, पर अभी नहीं था मेरे पास तो मैंने सॉल्ट मंगा लिया है। एक मेथी जाएगी तो वो मंगा लिया है। सौंफ, सौंफ बहुत अच्छी आई है, पिछली बार मैंने सौंफ मंगाई थी ना, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी ब्रांड थी, एक मिनट, ये देखो पिछली बार मैंने मंगाई थी ना तो वो ये वाली है, और इसका कलर अच्छा नहीं है तो क्वालिटी मतलब इसकी कम है, लेकिन मैं थोड़ा वही सोची थी अच्छी वाली आ जाए, तो ये मैंने इस बार ये वाली मंगाई है एंड क्लियरली ये ज़्यादा अच्छा सौंफ है। और इसके बाद चाहिए थी कलौंजी, कलौंजी मेरे पास रखी है बट मम्मी ने कहा था 100 ग्राम्स, तो इतना मेरे पास सौंफ मेथी कलौंजी तीनों ही नहीं थे, थोड़े थोड़े ही रखे थे इसलिए सब मंगा लिया है। इसमें धनिया राई जाएगा तो वो मेरे पास उतना है। एक पनीर मंगाया है एंड वेयर इज माई कोक, कोक भूल गया, इतने आइटम के साथ एक कोक फ्री था तो वो लोग भूल गए हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप भी बॉडी पर अनवांटेड हेयर पसंद नहीं करते हो? यू लाइक दैट हेयरलेस लुक एंड फील, बट हेयर रिमूव करना आपके लिए एक स्ट्रगल है, तो आई हैव अ परफेक्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फॉर यू। ये एक बड़ा ही यूनिक एंड मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। इस एक ही प्रोडक्ट से आप आपके फेशियल हेयर लाइक चिन के बाल, साइड लॉक्स, अपर लिप्स, आईब्रो वगैरह को आप ट्रिम कर सकते हो, ग्रूम कर सकते हो, हेयर निकाल सकते हो। साथ ही साथ आप आपके जो बॉडी के हेयर होते हैं लाइक आर्मपिट वाले हेयर, बिकिनी एरिया के हेयर को भी इजिली रिमूव कर सकते हो। बस इस एक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करके यू विल बी सॉर्टेड फॉर लाइफ। और ये है अगारो का रिचार्जेबल 3-in-1 मल्टी ट्रिमर स्पेशली डिजाइन फॉर वुमेन। इसमें आपको मिलेगी ये मेन यूनिट और 3 अटैचमेंट्स। ये 1 ईयर वारंटी के साथ आता है। ये आता है IPX4 वाटर रेजिस्टेंट फीचर के साथ। साथ ही आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल फॉर ऑल द डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन। आपको मिलता है एक कैरिंग पाउच भी जिसमें आप इस ट्रिमर को स्टोर भी कर सकते हो और साथ में कैरी भी कर सकते हो। और इसके साथ आती है एक चार्जिंग केबल भी। मेन यूनिट में चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है तो चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल लगाएं और चार्जिंग केबल के दूसरे एंड को पावर अडाप्टर या पावर बैंक में अटैच कर दें। और ये है इसका चार्जिंग इंडिकेटर और ये है ना 8 आवर्स में फुल्ली रिचार्ज हो जाता है एंड देन इट गिव्स 1 आवर ऑफ कॉर्डलेस यूज। और एक छोटा सा क्लीनिंग ब्रश भी साथ में मिलता है। चलिए सभी अटैचमेंट्स को देख लेते हैं। ये है 3D रोटेटिंग शेवर हेड अटैचमेंट। इसको यूज करके आप अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं जैसे कि अपर लिप्स, साइड लॉक्स, चिन एंड फोरहेड। इसे यूज करके 0.1 mm तक हेयर ट्रिम हो जाते हैं। आप इसे सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डाउनवर्ड कैसे भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल ही पेनलेस तरीके से आपके बाल रिमूव हो जाएंगे। ये टूल काफी एफिशिएंट एंड पावरफुल है, इससे हेयर रिमूव करना बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। ये ट्रिमर बिना किसी डिस्कम्फर्ट के हेयर रिमूव कर देता है, काफी स्किन फ्रेंडली है और बहुत ही ईजी टू यूज है। ये पोर्टेबल भी है और काफी ड्यूरेबल भी है। और ये वाला जो हेड है ना, इसको भी आप ऐसे ओपन करके अंदर से हेयर क्लीन कर सकते हो। ये है बिकिनी ट्रिमर अटैचमेंट जिसको यूज करके आप बिकिनी एरिया के हेयर, अंडर आर्म के हेयर को ट्रिम कर सकते हो। इसके साथ आपको ये क्यूट सा पिंक कॉम्ब हेड भी मिलेगा। कॉम्ब हेड लगाकर ये 0.5 mm तक हेयर की ट्रिमिंग कर सकता है और विदाउट कॉम्ब हेड के ये 0.3 mm तक हेयर ट्रिम कर सकता है। और ये है आईब्रो ट्रिमर हेड जिससे आप आईब्रो हेयर को ट्रिम कर सकते हो। इसमें एक तरफ है ये स्मॉल ट्रिमर हेड जिससे आप आईब्रो हेयर को प्रिसिशन के साथ रिमूव कर सकते हैं और दूसरी तरफ है ये बड़ा ट्रिमर हेड जिससे आप फोरहेड के हेयर को अच्छे से निकाल सकते हो। इसके साथ ही आपको ये पिंक ब्रश हेड भी मिलेगा। बिना इसे यूज किए 0.2 mm तक हेयर ट्रिम किए जा सकते हैं और अगर आप इस हेड को लगाओगे तो ये इस तरफ से 2 mm हेयर ट्रिम करेगा और इस तरफ से
4 mm तक हेयर ट्रिम कर देगा। और ये है मेन यूनिट, इसे ऑन करने के लिए इसको राइट की तरफ मूव करना है और ऑफ करने के लिए लेफ्ट की तरफ घुमा दें। अटैचमेंट निकालने के लिए ये दोनों जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ना, इनको अलाइन करें और लगाने के लिए भी ट्रायंगल अलाइन करने के बाद लेफ्ट में घुमा दें। तो देखा ना आपने, इस एक टूल को यूज करके आप आपके अनवांटेड हेयर को कितना इजीली रिमूव कर सकते हो, एंड दैट टू एट द कंफर्ट ऑफ योर होम। और ये जो क्यूट सा छोटू सा हैंडी डिवाइस है ना, इट विल प्रैक्टिकली रिड्यूस योर सैलॉन विजिट टू जीरो। अगर आप इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हो, इसको खरीदना चाहते हो, तो लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। पहले इसको इस वाले से करना है, मोटे वाले से नहीं करना। मोटा भी चलता है, पर मैं थोड़ा थोड़ा छोटा हो जाए तो अच्छा है। अच्छा। मोटा वाले से करो। नहीं नहीं, जैसा तुम करती हो मैं तुमसे सीख रही हूँ। और उधर चने और मेथी को भिगो करके सुखा लेना है। ऐसे ही अपने बस ठीक ही किया है। अब ये छिलका में है ना, क्या करेंगे, फिर ये दोनों मिक्स कर देंगे और ये भी मिक्स कर देंगे, फिर ये डाल देंगे अंदर और फिर चम्मच से हिला देंगे, फिर थोड़ी 10-15 घंटे के बाद फिर गरम करके तेल ठंडा हो जाए ना, फिर डाल देंगे सरसों का तेल। सरसों का भी डाल। मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ कि आगे मुझे बनाना हो तो तुम नहीं हो तो मैं बना सकूँ। हाँ हाँ हाँ, बस ये भी थोड़ा डालना, कहीं मिक्स कर दे एक बार। चलेगा, डाल दो। नहीं, थोड़ा मिक्स कर करके देखो, क्योंकि नमक होगा ना फिर सौरभ नहीं खा पाएंगे। हाँ, ऐसा करूंगी, जितना जरूरी लगे उतना ही हिसाब से। बस इतना ही डालती हूँ, बाद में देखती हूँ ना। ये मैं बनाई इसलिए रही हूँ क्योंकि इसमें मेथी है, चना है, थोड़ा हेल्दी ज्यादा हो जाएगा। अरे हेल्दी और खाने में अच्छा होगा, और भैया भी खाएंगे ना। हाँ, उनके बीपी के लिए बहुत अच्छे हैं। ये मैं पापा को भी देने वाली हूँ, तुम बोल रही थी ना डायबिटीज के लिए भी। हाँ, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि देखो इसमें मेथी और चने तो बहुत अच्छे हैं। हाँ। और लगेगा मसाला? हाँ, थोड़ा लगेगा। डालो? हाँ हाँ डालो, जितना सही लगता है उतना डालो। ठीक है, मसाला भी ना अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा, खट्टा ज्यादा लगेगा। खट्टा लगेगा इसके लिए। तो ये हो गया? हाँ बस हो गया। उसमें अभी अभी नहीं, आधे घंटे के बाद थोड़ा तेल डालना, ये मसाला थोड़ा मिक्स हो जाएगा। ठंडा तेल मतलब उबाला? हाँ उबाला वाला। हाँ, तेल डाल के फिर शाम तक रहने देना ऐसे ही। हाँ। और थोड़ी थोड़ी मतलब घंटे के बाद है ना ऐसे हिला देना, तो एक रस हो जाएगा सब, फिर उसमें भर देना। और फिर कितने दिन बाद तैयार होगा? 2 दिन के बाद खाना। 2 दिन के बाद अभी डालो, ठीक है चलेगा थोड़ा। तुम बोलो ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा डाल देती हूँ बस। ठीक है, बस लो अभी। इसको तो और भी कुछ भी अचार बनाने में यूज कर सकते हैं कि खाली आम वो, का? वो पापड़ी का लोट बना जो आप खींचा उसमें डाल के खाने का, आपके ओवन में तो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये बारिश के मौसम में तो बहुत मस्त लगता है। आज लग रहा था फिर बारिश होगी, हो गया था बारिश जैसा, पर फिर थोड़ा सा ऐसा हो गया। ये हो गया। तो ये अचार जब भावना बना रही थी ना, उस वक्त भी मैंने इसमें सरसों का तेल गरम करके ठंडा करके ऐड कर दिया था, और जितना उसने तेल बताया था उतना ऐड किया, पर ये थोड़ा सा कम लग रहा था। तो उसने बोला कि आप इसको अभी ऐसे रहने दो, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तो रात को 7-8 बजे आप इसको जब जार में भरोगे ना, तब ऊपर से पका करके ठंडा करके तेल ऐड कर देना। तो ये सीधे अभी रात में ही मैं इसको जार के अंदर डाल रही हूँ, और मेरे पास और कांच के हैं नहीं ना, मैंने तरह तरह के अचार भर रखे हैं सब चीज़ों में, किसी में सिरके वाला और किसी में कैसा, तो मैंने इसको ये प्लास्टिक के कंटेनर में ऐड कर दिया है, सरसों का तेल गरम करके ठंडा करके ऐड कर दिया है। ऊपर से एक कोट जैसी बना देनी है सो दैट ये स्पॉइल ना हो, और इसके अंदर तो जो कैरी है वो बिल्कुल फ्रेश है, सुखाई भी नहीं है थोड़ी सी भी, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ही बनवाया, सीखने के हिसाब से बनवाया सच बताऊँ तो, क्योंकि उसने बोला था कि डायबिटिक लोगों के लिए अच्छी है, तो मुझे एकदम पापा का ख्याल आया, और ये मैं एक बार सीख जाऊँगी तो बार बार बना पाऊँगी। तो ये अचार हो गया रेडी, अभी मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे नेक्स्ट डे।
नेक्स्ट डे सुबह के सारे काम हुए, बच्चों को स्कूल भेजा और फिर भावना आई तो मैंने उसे अचार दिखाया, उसने उसको अप्रूव किया कि ठीक किया है आपने, बिल्कुल सही अमाउंट ऑफ ऑयल डाला है। और उसके बाद फिर मैं, बच्चे लोग आने का टाइम हो रहा था तो खाना बनाने लग रही हूँ और सब्ज़ी रोटी बनाऊँगी एंड मैं भी लंच करूँगी। सुबह में मैंने भी बस ब्रेकफास्ट खाया था, थोड़ा फ्रूट वगैरह ले लिया था। तो मैं है ना चावली बीन्स लेकर आई थी, लोबिया भी बोलते हैं नॉर्थ में, इस साइड चावली बोलते हैं। तो मैं उसको, मैंने ना रात को ही जब मैंने अचार भरा था उसके बाद साफ करके काट करके रख दिया था। मैं ऐसा सोची थी कि सुबह बच्चों को टिफ़िन में बना के दूंगी, लेकिन फिर मुझे सुबह में उतना टाइम नहीं मिला तो मैंने उन्हें फ्राइड राइस दे दिया था टिफ़िन में और अभी इसकी सब्ज़ी कर रही हूँ। तो पहले मैंने ना आलू को अच्छी तरह से थोड़ा सा भून लिया था, इसके बाद इसके अंदर कटे हुए बीन्स ऐड किए हैं, बिल्कुल कम इसमें मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, ज़्यादा मैंने हरी मिर्ची ऐड की है, लाल मिर्ची बिल्कुल नाम मात्र के लिए, और जो रूटीन मसाले मैं ऐड करती हूँ वही सब मैंने ऐड कर दिया है। इसके बाद है ना ये जो चावली बीन्स है इसको फ्राई कर करके नहीं बनाया जाता क्योंकि इसकी स्किन थोड़ी सी अदर बीन्स के कंपैरिजन में कड़क होती है, तो इसको थोड़ा सा पानी के साथ पकाना ही पड़ता है। तो मैंने थोड़ा पानी यहाँ ऐड कर दिया है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है, नमक मसाले सब डाल दिए हैं और इसके बाद मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी टमाटर। टमाटर डाल देने से कभी कभी आलू गलता नहीं है तो इसलिए मैं टमाटर को काट करके जो इसकी स्किन साइड है वो सब्ज़ी पर टच करके इस तरह से लगा दूँगी। आप देखें किस तरह से मैं टमाटर को रख रही हूँ और फिर ढक्कन लगा के इसको पकने देंगे तो जो पानी इसके अंदर पड़ा हुआ है सब्ज़ी में एंड बीन्स और आलू के जो अपने जूसेस हैं उसमें ये अच्छी तरह से पक जाएंगे और टमाटर के जूस की वजह से जो आलू है ना वो अफेक्ट नहीं होंगे, वो भी ईजिली पक जाएंगे। मैंने इसको बिल्कुल भी स्टर नहीं किया है, अपने आप पानी जो है इसका वो रिड्यूस हो गया है, ख़त्म ही हो गया है, तब मैं इसको स्टर कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो टमाटर है वो मिक्स नहीं करने थे सब्ज़ी में। अभी बिल्कुल ड्राई हो गई थी सब्ज़ी, आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं, बीन्स अच्छी तरह पक चुकी हैं, तो अभी मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे तो अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं। अब मैं इसे 2-5 मिनट एकदम स्लो फ्लेम पर पका लूँगी। आप ट्राई करना, बहुत सिंपल है पर अच्छी बन जाती है ये। वैसे चावली तो 500 तरह से बनती है तो आप मुझे आपका तरीका बताइएगा, कुछ फैसिनेटिंग होगा तो आई ट्राई दैट रेसिपी एंड शेयर विद यू ऑल। और इसके बाद मैं इसके साथ बनाना चाह रही थी रोटी बट बच्चे और लाइक ही नहीं, मम्मा पराठा कर दो। सूखी सब्ज़ी देखकर इन सबको, मतलब तीनों को, दोनों बच्चों को भी हस्बैंड को भी होता है कि पराठा कर दो, तो मैंने फटाफट से थोड़ा थोड़ा घी लगा करके पराठे तैयार कर दिए हैं। दोनों बच्चों लोगों ने सब्ज़ी भी ले ली, पराठा भी ले लिया, दही सैलड के साथ खा लिया था। और ये देखें सब्ज़ी कितनी सारी अभी भी बची हुई है बिकॉज़ वही थोड़ा सा बीन्स वगैरह बच्चे मुंह बनाते हैं। हालांकि सानवी खुशी पालक, मेथी, सरसों, टिंडे, तोरी, लौकी ये सब बहुत अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन बीन्स और गोभी, करेला, इस तरह की सब्ज़ी वो लोग ज़्यादा चाव से नहीं खाते। तो ये मैंने अपनी प्लेट लगाई है, ज़्यादा करके बीन्स मैंने ही ले लिए हैं क्योंकि ये लोग में से कोई भी नहीं खाएगा, ये लोग आलू आलू खाते हैं, तो मैंने, मुझे ये बीन्स पसंद है इसलिए मैंने ज़्यादा पोर्शन उसका ले लिया है। इसके बाद फिर आ गई थी मम्मी, आज मम्मी को आना ही था, उन्होंने बोला था कि 2 दिन ये जो आम है काट करके सुखा लेना, फिर नेक्स्ट डे मैं आ करके ये बनवा दूँगी। तो उन्होंने पहले आम का मुआयना किया तो उन्होंने कहा हाँ अच्छे सूख गए हैं, धूप तो हमारे यहाँ आ नहीं रही, गर्मी तो बराबर है, वो जो ह्यूमिडिटी वाली हो जाती है ना बारिश के बाद, तो गर्मी तो पूरी है लेकिन धूप नहीं है, तो मैंने इसको 2 दिन पंखे में ही सुखाया है। एंड फिर भावना वाला अचार भी मैं उन्हें दिखा रही थी, बता रही थी कि उसने मुझे क्या क्या बताया है, तो मम्मी को ये देखने में भी अच्छा लगा और इसकी स्मेल भी उन्हें पसंद आई। और मम्मी ने मुझको है ना लिस्ट भेजी थी चीज़ों की, तो जैसा जैसा उन्होंने लिस्ट में बताया था वही वही चीज़ें उसी तरह से मैंने मंगा ली। कुछ एक चीज़ें मेरे पास थी जैसे धनिया उन्होंने बोला था लाना, पर धनिया तो मेरे पास पैकेट रखा ही था तो ये मैंने अलग से नहीं मंगाया। सिमिलरली इसमें जाएगी थोड़ी हींग, थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्ची पाउडर, तो वो सब मेरे पास अबंडेंस में रखा हुआ था तो वो सब भी मैंने नहीं मंगाया। तो मम्मी मुआयना कर रही थी कि चीज़ें ठीक है कि नहीं ठीक है, और उसके बाद फिर वो लग गई अचार बनाने। मैंने उनको पूछा कि मैं पहले चाय बना लेती हूँ
थोड़ी देर बातें करते हैं, बैठते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं पहले काम कर लेते हैं, बाद में फिर सोनू आ जाएगा, फिर बैठ कर बातें करेंगे ही। मेरे हस्बैंड का घर का नाम सोनू है और उनके जो छोटे भाई हैं गौरव भैया वो मुंबई में रहते हैं और टीवी स्टार है, इन केस यू डोंट नो। तो वो आजकल है ना अनुपमा में आ रहे हैं तोशू के कैरेक्टर में, तो उनका घर का नाम मोनू है, तो सोनू मोनू ऐसे इन लोगों के घर के नाम है। तो मम्मी लग गई सौंफ वगैरह कूटने, मैंने उन्हें बोला भी कि लाओ ये मैं कर देती हूँ, बट उनको चाहिए अपने हिसाब से कितना दरदरा कितना पाउडर। तो सौंफ कूट के रखी है उन्होंने, धनिया कूट करके रखा है, और मीनवाइल मैंने लगा दिया डिशवॉशर, मतलब बर्तन काफ़ी इकट्ठे हो गए थे ना तो पहले खाली कर दिया और उसके बाद फिर मैंने बर्तन लोड भी कर दिए उसमें। और लगेगा ना तो उसमें गर्म करके ऊपर से डाल देते हैं, ठंडा करके गर्म करके ठंडा करते हैं। और यहाँ पर ये है कलौंजी और ये है मेथी, धनिया इसको कूट दिया है मम्मी ने, और ये है सौंफ इसको भी कूट दिया है। तो ये लगभग 100 grams है, ये भी 100 ग्राम, हाँ 100 सवा 100, ये भी इतना ही है और ये आधा है, इनसे थोड़ा सा 75 ग्राम जैसा लग रहा है। 100 ग्राम का पैकेट था ये, 50 ग्राम, हाँ 50 ग्राम जैसा है। और आधा लीटर तेल अभी पका रहे हैं हम लोग, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऊपर से डल जाएगा पका के ही। 3-4 ग्राम जैसी हींग और ग्राम का ग्रीम हो गया मेरा। 3-4 ग्राम जैसी हींग, 3-4 ग्राम तेल अच्छा गर्म हो गया। चिमनी ऑन कर देती हूँ लेकिन अब आवाज़ नहीं आएगी। और मम्मी को ये बड़ी वाली कढ़ाई बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे बोला था तेल गरम कर दो, तो मैंने पहले छोटी कढ़ाई निकाली थी आपने देखा होगा ब्लू वाली, बट उन्होंने कहा कि नहीं इतनी बड़ी निकालो कि ये सारी चीज़ें उसमें मिक्स हो जाए, सिर्फ तेल नहीं गरम करना है। तो फिर ये मेरे पास काफ़ी बड़ी एक कढ़ाई रखी है और ये ना बहुत वाइड है, इंडस वैली की है, कास्ट आयरन की है। तो मैंने उनसे पूछा ये वाला चलेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये सही है ये निकाल लो। तो इसमें पहले तेल पकाया है और उसके बाद तेल कितना पक गया है, सबसे पहले क्या डालना है, एक एक चीज़ का कलर वो देख रही हैं आप, देखो एक एक चीज़ को ध्यान से कि क्या कलर आ गया। और स्टेप बाय स्टेप उन्होंने मुझे बताया कि पहले ये ही डालना है नहीं तो ये जल जाएगा, इसका कुकिंग टाइम कम है, इसका कुकिंग टाइम ज़्यादा है। तो जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो एक एक करके सारी चीज़ें उन्होंने ऐड कर दी हैं। लास्ट में ऐड की है कलौंजी क्योंकि उसको ज़्यादा नहीं भूनना होता है, एंड कलौंजी उन्होंने कूटी भी नहीं वरना कड़वी और काला हो जाता है अचार। और बिल्कुल लास्ट में ऐड किया गया है धनिया, वो बता रहे थे कि धनिया को तो नहीं भी डालें ऊपर से भी ऐड कर देंगे ना तो भी धनिया तो फूल जाता है, अच्छे से पक जाता है, बट यहाँ क्योंकि तैयारी हो ही रही है तो धनिया ऐड किया उन्होंने सबसे लास्ट में, देन थोड़ी सी हींग ऐड कर दी है। और ये सारी चीज़ों को एकदम बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही थी, इतनी देर उन्होंने पका लिया। और इसके बाद ये सूखे हुए आम हैं, 2 दिन फैन ड्राइड हैं, ये ऐड कर दिया गया है अचार के मसाले में। मम्मी का हाथ है ना अचार में बहुत अच्छा है, मतलब मेरी अपनी मम्मी भी बनाती थी अचार, लेकिन कई बार उनका स्पॉइल हो जाता था, कई बार उनका अच्छा चलता था, तो उन्होंने मुझे फिर सिखाया नहीं कि अभी मुझे खुद ही ठीक से नहीं आता मैं तेरे को क्या सिखाऊं। लेकिन मेरे जो सासू मॉम है इनका हाथ बहुत सेट है अचार में, मतलब जब वो मेरठ में रहते थे ना तो नेबर्स भी उन्हें बोलते थे कि बस 15 मिनट के लिए आ जाओ ये अचार करवा दो, सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली है। तो मुझे ना उनका अचार एक तो स्वाद भी बहुत बनता है और वो चलता बहुत अच्छा है, तो मुझे उनका वाला अचार सीखना था। तो मम्मी ने ना विंटर्स में मुझे बोला था कि अगर गाजर वाजर वाला अचार डलवाना है ना तो मुझे बता देना, तो वो भी मेरे टू डू लिस्ट में था बट टाइम नहीं मिला उस वक्त बिल्कुल भी। तो फिर अभी गर्मियाँ आ गई थी ना तो उन्होंने बोला था कि आम का अचार तेरे को चाहिए नीलू, तो उन्होंने डाला था थोड़ा सा, मुझे चखाया टेस्ट कराने के लिए लेकर आए थे, आप मेरे ब्लॉग देखते हो सारे तो आपको पता ही होगा। तो मैंने कहा हाँ मम्मा बिल्कुल सेम अचार आप मुझे सिखा दो, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है तू 4 किलो आम ले आ, उसको ऐसे ऐसे तैयार कर ले फिर मैं डलवाने आती हूँ। लेकिन
और बढ़िया। अरे रिंकल मेरे को भी कॉल में ऐड कर लेना। हाँ 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 कर दो कर दो। तो ये जो अचार है ना ये बिल्कुल ठंडा हो गया। मम्मी ने कहा था कि कढ़ाई ठंडी हो जाए ना तो इसे भर देना, लेकिन इसमें ऊपर इतना इतना तेल होना चाहिए तो इसमें तेल कम है तो मैं थोड़ा और तेल पका रही हूँ। भर दूंगी मैं इसे अभी बर्नी के अंदर, पर ये तेल जब ठंडा हो जाएगा तो ये तेल उसके अंदर ऐड करूंगी। और अचार में हम लोगों ने मसाला ज़्यादा रखा है, वो जानबूझ के रखा है क्योंकि एक तो ऐसा हम लोग को पसंद है, दूसरा मेरे हस्बैंड को अचार में ना कैरी की फाँक से ज़्यादा इसका मसाला पसंद आता है। तो ये मसाला अगर बच भी जाए ना तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो जाता है, जैसे आप इसमें और काट करके आम भी ऐड कर सकते हो तो फिर से आम का अचार हो गया, नहीं तो थोड़ी सी मिर्ची डाल दे तो उसका भी अचार बहुत अच्छा बन जाता है। अदरवाइज़ ये मसाला कई सारी सब्जियों में भी ऐड हो जाता है और सत्तू वगैरह का पराठा जैसे बनाते हैं ना तो उसमें भी ऐड हो जाता है, तो मसाला इसलिए हम लोगों ने थोड़ा ज़्यादा रखा है। फिर मेरे ना टू डू लिस्ट में था ये सोफ़े के कवर भी धोना। अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि अब आई बारिश तब आई बारिश, तो मैं सारी जो मोटी मोटी चीज़ें ना वो धो लेना चाहती हूँ, कि जैसे अभी ये सोफ़ा का कवर हुआ ना ये तो बार बार नहीं धुलता, ये एक बार धो लेंगे तो ये महीने भर चल जाएगा आराम से, तो मैंने सोचा इसको कर देती हूँ। रात हो रही है वैसे तो, पर मैं मशीन में से लगा के छोड़ दूँगी, सुबह तक धुल जाएंगे, सुबह मैं इन्हें सुखा दूँगी। तो आजकल गर्मी काफ़ी है, हवा चलती है तो ये आराम से सूख जाएंगे। और मेरे को बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि ये सोफ़ा कवर आपने कहाँ से लिया, तो ये है ना मैंने अमेज़ॉन से लिया था। आप अमेज़ॉन पे ना हाउस ऑफ क्वर्क लिख करके सर्च कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा, वो लोग बहुत तरह के सोफ़ा कवर्स बनाते हैं। तो मैंने तो कई साल पहले लिया था, तब उतनी भी वैरायटी नहीं थी, अभी तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं वहाँ पे। तो हर तरह के सोफ़ा के लिए, जैसे मेरा एल शेप वाला है तो इसके लिए मैंने 3-3 वाले दो ले लिए थे, बाकी आपका 2 वाला है 1 वाला है कैसा है तो हर एक के लिए उनके पास डायमेंशन है, तो इनकेस आप इंटरेस्ट तो चेक कर लीजिएगा। और बस अभी ये मैंने सोफ़ा दोनों खाली कर दिए हैं, कवर लोड करूँगी अभी के अभी, और इसके बाद फिर ये तब तक जो तेल है ये हो चुका था ठंडा। मम्मी पापा आ गए थे तो थोड़ी देर बाद फिर शर्मा जी भी आ गए थे, मतलब थोड़ी देर हम लोगों ने अचार का काम किया, फिर बैठकर हम लोगों ने बातें की, फिर शर्मा जी आ गए, उनकी एक मीटिंग थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने चाय नाश्ता किया, डिनर किया, फिर मम्मी पापा चले गए तो उसके बाद किचन विचन साफ़ करी। इतने में ये जो अचार का तेल वेल है ये सब ठंडा हो गया था और इसके बाद मैंने ये भर दिया है 2 बर्नियों में। मम्मी ने कहा था इसमें लिड मत लगाना क्योंकि इसको 2 दिन अभी बाहर रखना है, तो गर्मी से वो वाष्पीकरण होता है ना इवेपोरेशन, तो वो ड्रॉपलेट्स इसके अंदर ना गिर जाएं, इसके लिए इसके ऊपर कपड़ा लगाना सो दैट अंदर से ना इवेपोरेशन क्लियरली हो जाए। और ये अचार को अभी 2 दिन धूप दिखानी है, उसके बाद फिर इसको पैंट्री में स्टोर किया जा सकता है। तो आप चाहें तो ये अचार बना लेना, अच्छा तो ज़रूर से बनाएगा, गारंटी है, क्योंकि हमेशा हर बार अच्छा ही बना है। बस इसके साथ आगे वीडियो के एंड पर, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।